अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नताशा वकास। एज़ यू ऑल नो दैट माय चैनल इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स, सो वेलकम। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है वैक्स स्ट्रिप। किस तरह की वैक्स स्ट्रिप मार्केट में अवेलेबल है, कौन सी वैक्स स्ट्रिप होती है क्वालिटी वाइज अच्छी, और किस तरह की वैक्स स्ट्रिप आपको ख़रीदनी चाहिए, इसकी स्मॉल पैकेजिंग, लार्ज पैकेजिंग या जो भी पैकेजिंग मार्केट में अवेलेबल है वो ऑनलाइन आप कहाँ से ले सकते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम स्ट्रिप वैक्स करते हैं तो हमें उसके लिए चाहिए होती है स्ट्रिप। पहले तो हम लोग यूज़ करते थे जीन्स की पट्टियाँ, जीन्स की स्ट्रिप यूज़ करते थे। घर से कोई पुरानी जीन्स ले ली, उसको कट आउट कर लिया पीसीज में और उसकी स्ट्रिप से कर ली वैक्स। तो बहुत ज़्यादा ये जो मेथड था ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता था, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो घर में वो जीन्स की स्ट्रिप कट करके वो इजीली वैक्स कर लेती थी उनसे। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो सेकंड प्रोसीजर था वो ये शीट से या रैपिंग पेपर से हम लोग ड्रेसेस वगैरह पैक करते हैं शादियों में, जो प्लास्टिक का शीट्स आता है, थोड़ी सी वो थिक होती है शीट, तो उसको कटिंग करके उससे भी वैक्स यूज़ उससे भी हम वैक्स कर सकते थे, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी वैक्स होती थी। सिर्फ इन सब का इशू ये था कि ये सब जो है ना हमारी स्किन को ब्लैक कर देती थी। वैक्स जो जीन्स की जो स्ट्रिप है वो भी स्किन ब्लैक कर देती है, और जो शॉपर वगैरह भी या प्लास्टिक बैग जो भी हम यूज़ करते हैं उसको स्ट्रिप को कट करके उसको एज अ वैक्स स्ट्रिप यूज़ करते हैं वो भी स्किन को ब्लैक कर देते थे। तो जो मार्केट में स्ट्रिप्स लॉन्च हुई वाइट कलर की बनी बनाई आने लगी, लोग समझते थे ये बुकरम है उसको काट के यूज़ करते हैं, लेकिन ये बुकरम नहीं है, ये बुकरम की तरह की ही होती है लेकिन ये बुकरम बिल्कुल भी नहीं है। बुकरम आप लोग समझते हैं जो क्लोथिंग में यूज़ होता है गले वगैरह के लिए, तो ये बुकरम बिल्कुल भी नहीं। तो यह है वो वैक्स स्ट्रिप रोल, इसको एपिलेटर पेपर भी बोलते हैं और वैक्स स्ट्रिप रोल भी बोलते हैं। इसको नॉन वुवेन होता है स्ट्रिप, ऐसी जो फटे ना वैक्स करते हुए और एक से दो दफ़ा यूज़ हो जाए एक ही लड़की के ऊपर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिप भी वेस्ट ना हो हमारी और स्किन भी उससे ख़राब ना हो और बाल ना छोड़े ना। वैक्स का अच्छा होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रिप का भी अच्छा होना उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छा होना वैक्स का ज़रूरी है। और आपको प्रॉपर यूज़ आना चाहिए, एप्लीकेशंस का आपको पता हो, लेकिन अगर आपकी स्ट्रिप अच्छी नहीं है तो भी आपका वैक्स करने का आपको वो फ़ायदा नहीं होगा, आपके बाल टूट जाएंगे या बाल जो है जड़ से नहीं निकलेगा, तो उसका नुकसान ये होगा कि इनग्रोन हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा टूटे टूटे बाल जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। मतलब कि कोई इवेंट है और अगर आपने दो तीन दिन पहले वैक्स करवा लिए तो एन इवेंट वाले दिन आपको छोटे छोटे से हेयर बम्स निकल आए। तो जो वैक्स स्ट्रिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये, ये है फेस वैक्स रोल। ये मेरे पास बड़ा रोल है इसका, काफ़ी कम इसके अंदर छोटा भी है, उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वो मैंने अलहदा से रिकॉर्ड की हुई है। और जोलेन कंपनी का है, इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। पहले जो मैं वैक्स रोल यूज़ करती थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि जो पहले मैं वैक्स रोल यूज़ करती थी वो ये वाला वैक्स रोल। आपको पता है कि मेरा सैलून है, मेरा यूज़ ज़्यादा होता है तो मैं बड़े जिसके पैकेजेस होते हैं या बड़ा जो रोल होता है वो लेती हूँ, लार्ज रोल जो आता है। जो पहले मैं रोल यूज़ करती थी ना उसकी जो स्ट्रिप होती थी वो इस तरह की होती थी, बिल्कुल प्लेन आगे पीछे से। सिर्फ इसका डिफरेंस ये था कि इसकी जो बैक साइड है ये यहाँ से रफ होती थी और जो फ्रंट साइड है इसकी वो बिल्कुल सॉफ्ट होती थी, जिससे इसका फ्रंट और बैक का पता चल जाता था। लेकिन ये अक्सर ना ये वाली स्ट्रिप भी जो है वो वैक्स करते हुए फट जाती थी। ये देखें मैंने यहाँ से ये दिखाया भी हुआ जिस तरीके से, मतलब अगर ज़ोर से इसको खींचते थे ना तो यहाँ से इस तरह से ये फट जाती थी या हाथ से छूट जाती थी। ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी वैक्स स्ट्रिप। तो जो अब जो वैक्स स्ट्रिप लॉन्च हुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे इसके पास पूरा पैक पड़ा हुआ है रोल, मैं वो वाले क्लिप भी शेयर करूँगी जिसमें मैंने वो स्ट्रिप यूज़ की है ऑलरेडी, वो स्ट्रिप भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि वो किस तरह की, जो इस स्ट्रिप की क्वालिटी है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मैं आपको खोल के चेक करवा देती हूँ, ये नया रोल मेरा है, अभी मैंने ये यूज़ नहीं किया, जो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है वो वाला भी इसकी क्लिप में यहाँ पर डाल दूंगी और इसकी भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ बड़े रोल की कि इसकी वैक्स स्ट्रिप जो है वो किस तरह की। जो ये वाली जो वैक्स स्ट्रिप है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई है क्वालिटी वाइज, इसके ऊपर देखें इस तरह से दाने दाने से हैं, नज़र आ रहा है आपको इसके ऊपर पूरी स्ट्रिप के ऊपर ना बारीक बारीक से ना होल्स बने हुए हैं, और इसके बैक साइड पे भी सेम इसी तरह से होल्स बने हुए हैं, और जो इसकी फ्रंट साइड है ना वो मुलायम है और बैक साइड पे थोड़े थोड़े से इस तरह से ना थ्रेड निकला हुआ है ये। और ये स्ट्रिप क्वालिटी वाइज उस स्ट्रिप से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़े से रेट का डिफरेंस है, 50 to 100 की रेंज में थोड़ा सा रेट का डिफरेंस इसका है। तो ये इस तरह का वैक्स स्ट्रिप रोल है और इसकी स्ट्रिप इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी हैं कि आप इसको इससे वैक्स करें तो ये एक भी बाल आपका नहीं छोड़ती और बालों को पूरा जड़ से खींचे फटती नहीं है ये स्ट्रिप, इसको जितना मर्जी आप खींचो। देखें कितना पावर लगा के मैंने इसको खींचा है, तो ये बिल्कुल भी
नहीं फटे। तो जो इसका बड़ा रोल आता है उसके अंदर जो इसकी स्ट्रिप की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कहें या लेंथ, सॉरी लेंथ, इसके अंदर जो इस स्ट्रिप की लेंथ है वो 100 मीटर है, और जो इसका मीडियम रोल है उसके अंदर जो इसकी लेंथ है स्ट्रिप की वो है 50 मीटर। तो जो इसका बड़ा रोल है इसके अंदर जो स्ट्रिप है वो आपको मिलेगी 100 मीटर और इसकी प्राइस है 1350, और जो इसका मीडियम रोल है उसके अंदर आपको मिलेगी वैक्स स्ट्रिप 50 मीटर और उसकी प्राइस है आई थिंक 950। अच्छी वाली वैक्स स्ट्रिप है उसके बारे में बता रही हूँ आपको, जो लोकली मार्केट में मिल रही है उसके बारे में नहीं बता रही, जो कि फट जाती है यूज़ करते वक्त। तो मैं साथ साथ इसके वीडियो क्लिप चला दूँगी जिसमें मैंने ये यूज़ की है, इसका यूज़ बताया है उसके अंदर कि किस तरीके से ये बालों को ग्रिप करती है, दोनों स्ट्रिप से मैंने उसके अंदर यूज़ बताया हुआ है, वो भी आप लोग देख लें। ओके, तो ये मेरे पास वैक्स है, अब मैं आपको दोनों स्ट्रिप की मदद से ना इस वैक्स दोनों स्ट्रिप को लेके वन बाय वन आपको वैक्स करके दिखाऊंगी कि किस स्ट्रिप की मदद से ज़्यादा अच्छी वैक्स हो रही है, ठीक है। तो ये मैं वैक्स ले लेती हूँ इस वुडन स्टिक की हेल्प से स्टिक के ऊपर, और इसको अप्लाई करूँगी हाथ की बैक साइड पर और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे जो पर्सनली मुझे स्ट्रिप ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि मैं पहले उस वाली स्ट्रिप से बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी हूँ, जब से मुझे ये वाली स्ट्रिप मिली है तो मैं वो वाली स्ट्रिप से वर्क नहीं कर रही, इससे वर्क कर रही, मेरा पूरा रोल एज इट इज़ पड़ा हुआ, ये मैंने अप्लाई की है। ओके, ये मैंने अब अप्लाई कर ली है अपने हाथ की बैक साइड पे। पहले हम ये वाला अप्लाई करेंगे जो स्ट्रिप है हमारे पास, जो कि बिल्कुल प्लेन है, जिसके अंदर कोई होल वगैरह नहीं है, थोड़ा सा क्वालिटी वाइज जो है ना उस वाले स्ट्रिप रोल से थिन है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर आर पार आपको ऑब्जेक्ट नज़र आता है, उसके अंदर नहीं नज़र आता। इसको मैंने अप्लाई किया, इसकी जो प्लेन साइड थी वो ऊपर रखी है और जो रफ़ साइड है वो नीचे की तरफ रखी है। इसको अप्लाई किया मैंने अपने हाथ के ऊपर, थोड़ा सा इसको मैंने सहलाया प्यार से। अब इसको हम करेंगे पुल, ये जो अच्छा ये जो वैक्स है ना इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों को इस पर रिव्यू चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये प्रोफेशनल वैक्स है और एक एक बाल ये जड़ से निकाल देती है। अब ये हाथ देखें जहाँ पे बाल हैं, ये वाले बाल देखें और ये वाली जगह देखें, वाली जो स्ट्रिप है ना इसकी जैसे ना थोड़ा सा बाल इस जगह से टूटा है, थोड़ा सा बाल। अब वो वाली स्ट्रिप से देखते हैं कि बाल टूटेगा या नहीं टूटेगा, ठीक है करते हैं वो, उसको मैं इस वाले हाथ पर अप्लाई करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। ओके, सेम प्रोसीजर है, मैंने थोड़ी सी स्ट्रिप के ऊपर वैक्स ली है, इतनी सी वैक्स इनफ होगी और वो मैं अप्लाई करूँगी हाथ के ऊपर इस तरह से। अब इसके ऊपर ये मैं अप्लाई करूँगी प्लेन साइड ऊपर और जिसकी रफ़ साइड है वो नीचे की तरफ। ये नजर आ रहा है जिसने बाल रिमूव किए हैं, और ये नीचे वाले बाल देखें, इसके ऊपर देखें बाल, और जो उस स्ट्रिप के ऊपर बाल है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि उस स्ट्रिप ने ज्यादा बाल रिमूव किए या इसने, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इसको फेंक देते हैं दोनों स्ट्रिप्स को, ये देखें दोनों हाथ, तो
आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ऑलरेडी कोई ये स्ट्रिप यूज़ कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी स्ट्रिप ऑलरेडी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बताइएगा कौन सी वाली स्ट्रिप का जो है ना आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिला, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिला, इस वाले का ज़्यादा अच्छा मिला या इस वाले का ज़्यादा अच्छा मिला रिज़ल्ट, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके किसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और कमेंट किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरी वीडियो आपके सामने पहली दफ़ा आई है, तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना हरगिज़ मत भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लगाऊँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।